एक नेता जो अपने दौर में सबसे कम उम्र का सांसद बना, जिसके लिए राजस्थान के इतिहास में पहली बार विधायक दल की बैठक जयपुर में ना होकर दिल्ली में हुई, जिसे संजय गांधी का करीबी होने के कारण सीएम बनाया गया, जिसने पहली बार राजस्थान में शराबबंदी लागू कर दी थी, जिनकी एक छोटी सी गलती ने उन्हें सीएम की कुर्सी से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया था। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के पहले और आखिरी दलित मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया के बारे में। भरतपुर के बुसावर में एक दलित परिवार में जगन्नाथ पहाड़िया का जन्म हुआ। पहाड़िया शुरू से अपनी हाजिर जवाबी और बेबाकी के लिए पहचाने जाते थे और उस दौर में उनकी बेबाकी ही उनके राजनीति में आने की वजह बनी। 1957 की बात है, दिग्गज नेता मास्टर आदित्येंद्र पहाड़िया को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलवाने के लिए लेकर गए। उस वक्त पहाड़िया की उम्र सिर्फ 25 साल की थी। पंडित नेहरू ने पहाड़िया से देश प्रदेश के हालात के बारे में पूछा तो पहाड़िया ने बेबाकी से जवाब दिया कि बाकी तो सब ठीक है, लेकिन दलितों को रिप्रेजेंटेशन ठीक से नहीं मिल रहा है, उस पर विचार करना चाहिए। ये बात सुनकर पंडित नेहरू ने पहाड़िया को चुनाव लड़ने के लिए कहा और पहाड़िया तुरंत तैयार भी हो गए। 1957 में देश के दूसरे आम चुनाव में पहाड़िया ने सवाई माधोपुर से सांसद का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। बता दें, दूसरी लोकसभा में पहाड़िया सबसे कम उम्र के सांसद बने थे। इस तरह से पहाड़िया का चुनावी सफर शुरू हुआ और आगे बढ़ता रहा। बता दें, जगन्नाथ पहाड़िया ने 6 जून 1980 से लेकर 14 जुलाई 1981 तक, यानी सिर्फ 13 महीने ही उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला, लेकिन इस छोटे से कार्यकाल में पहाड़िया ने प्रदेश में पूरी तरह से शराबबंदी लागू कर दी थी। लेकिन कुछ ही महीनों बाद उन्हें अपना ये फैसला वापस लेना पड़ा था। दरअसल उस समय शराबबंदी लागू करने के बाद से प्रदेश में अवैध शराब का कारोबार बढ़ गया था, जिससे राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान भी होने लगा था। इस दौरान जगन्नाथ को अपना ये फैसला वापस लेना पड़ा था। लेकिन 1980 के कार्यकाल के दौरान उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। जैसा कि हमने आपको बताया कि 1980 में उन्होंने केवल 13 महीने तक ही मुख्यमंत्री का पद संभाला, उसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया था। मुख्यमंत्री के पद से उन्हें हटाने के पीछे का किस्सा बड़ा ही रोचक है। बता दें, जयपुर में लेखकों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जहां सीएम के तौर पर पहाड़िया को बुलाया गया था। उस कार्यक्रम में छायावाद की कविताओं के लिए मशहूर कवित्री महादेवी वर्मा भी मौजूद थी। पहाड़िया ने महादेवी वर्मा की कविताओं के बारे में कहा कि महादेवी वर्मा की कविताएं मेरे कभी समझ नहीं आई कि वो आखिर कहना क्या चाहती है। उनकी कविताएं मेरे सर के ऊपर से निकल जाती है। साहित्य आम आदमी को समझ आए ऐसा होना चाहिए, ना कि सर के ऊपर से निकल जाए ऐसा। पहाड़िया की इस टिप्पणी के बारे में महादेवी वर्मा ने इंदिरा गांधी से उनकी शिकायत कर दी थी। उसके बाद पहाड़िया को सीएम पद छोड़ना पड़ा था। जगन्नाथ पहाड़िया संजय गांधी के बहुत करीबी थे। उनके मुख्यमंत्री बनने की सबसे बड़ी वजह भी वही थी। कहा जाता है कि संजय गांधी के करीब होने की वजह से उन्होंने राजनीति की सीढ़ियां बड़ी तेजी से पार कर ली थी। उस दौर में कई दिग्गज नेताओं को पछाड़कर वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे, जिसके लिए इतिहास में पहली बार राजस्थान विधायक दल की बैठक जयपुर में नहीं होकर दिल्ली में हुई थी। पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान के पहले और अब तक के आखिरी दलित मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके बाद से कांग्रेस ने राजस्थान में किसी को भी दलित मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। नमस्कार।